बाद इसको हम ढक देंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शेफ अल्ताफ। आज हम जो आपके साथ शेयर करेंगे वो है चिकन और भिंडी किस तरीके से ज़बरदस्त और टेस्टफुल बनाई जाती है। इतना ज़बरदस्त तरीकाकार है इसका, आप देख के भी हैरान हो जाएंगे कि वाह क्या इस तरीके से भी बनाएंगे तो ये टेस्ट आएगा, क्या बात है। चलिए देखिए, यहाँ पे है मेरे पास एक पैन और उसमें डाल देंगे हम घी या ऑयल 4 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट या चॉप किया हुआ। हल्का सा लाइट फ्राई करने के बाद फिर इसमें डाल देंगे चिकन, और चिकन की जो क्वांटिटी है मेरे पास 1/2 kg है। इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे नमक जस्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का डालना है 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसको दोबारा फ्राई करेंगे। चिकन जैसे ही हमारी थोड़ी सी फ्राई हो लाइट तो उसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ पे भिंडी। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके और बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट ली है, और ये है मेरे पास 1/2 kg। फिर दोबारा फ्राई करेंगे इसको, थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसको हम ढक देंगे, थोड़ी सी इसमें नमी पैदा हो जाए। थोड़ी देर के बाद फिर हिलाना है, ज़्यादा देर इसको छोड़ना नहीं है वरना नीचे चिपक जाएगा और लग भी जाएगा, ख़राब हो जाएगी चिकन। थोड़ी देर के बाद अच्छे तरीके से हिलाने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद नॉर्मल साइज़ के अनियन, बारीक रफली चॉप किए हुए या बारीक कटे हुए। थोड़ी देर इसको और फ्राई करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर बाद जब प्याज हमारे थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे हम स्पाइस। स्पाइस में जाएगा साबुत धनिया या क्रश धनिया 1/4 teaspoon, उसके बाद जाएगा 1/4 teaspoon जाएगा इसमें सफ़ेद जीरा साबुत, क्रश चिल्ली कुटी दृढ़ा मिर्च 1/4 teaspoon, थोड़ा सा इसको करेंगे मिक्स और भुनेंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद डाल देंगे हम 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर रफली चॉप किए हुए, उसके बाद 3 अदद मिर्च साबुत, दोबारा इसको मिक्स करके इसको धीमी आंच पे कर देंगे, चिकन भी हमारा गल जाए और भिंडी भी अच्छे से तैयार हो जाए। ढक देंगे और धीमी आंच कर देंगे इसकी। तो माशाल्लाह आज की हमारी ये देखें, इसमें जो है चिकन भी गल चुका है, भिंडी भी गल चुकी है, और इसको थोड़ा सा ये देखें मिक्स करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट तैयार है। चूल्हा करेंगे ऑफ, उससे पहले 1 चुटकी भर के डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, उसके बाद इसके ऊपर धनिया गार्निश का। 1 मिनट के बाद इसकी आप खुशबू चेक करेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो इसको मिक्स करके मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह देखें जी, हमारा आज का चिकन भिंडी कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट इतना बेहतरीन है मैं कि आपको बता नहीं सकता। खुशबू यहाँ पे, खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। तो इसको मैं लगा हूँ ट्राई करने, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।